सिटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं और आज की बैठक तो सुनहरे हरूफ के लिखने के काबिल है। अल्लाह ताला इसी तरह से इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाए। और मैं बैरून उड़ीसा का सफ़र भी करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो इत्तेहाद जो इत्तेफाक सरजमीन उड़ीसा के उलमा में है, शायद वायद कहीं है, मैं सफ़र से इसके मुझे अंदाज़ा है, लेकिन किसी का किसी से भी ताल्लुक हो, लेकिन हर मामले में एक दूसरे का रब ताल्लुक और आपसी मोहब्बत ये कायम है। इंशाल्लाह ये चीज़ें कायम रहेंगी। और जैसा कि अभी आपके सामने जो अहदेदारान के नाम आए, हम लोग सब ने मिलकर इसकी मुकम्मल तायीद की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस काम को इत्तेफाक के साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने इरशाद फरमाया कि हम लोग आपस में किसी को बुरा भला न कहें, किसी के सिलसिले में कोई ऐसे कलिमात इस्तेमाल न करें जिससे उसकी दिल शिकनी हो। हर एक की कदर करें, हर एक का एहतराम करें, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब हमारे हैं, सब अपने हैं और सबकी सबका एहतराम हमारे ज़िम्मे है। मैंने ख़ुद हज़रत वालिद रहिमहुल्लाह को देखा है कि हज़रत कहाँ तशरीफ़ ले जाती जलसे में, जब वहाँ उलमा इकराम मौजूद होते तो सबका ख़ुद बैठकर बयान करवाते, सबकी तायीद करते और सबकी हौसला अफजाई करते, फिर ख़िताब करते थे। और इसी तरह से जहाँ जाते सबसे पहले वहाँ के अइम्मा उलमा इकराम के लिए तायदी कलिमात और उनके एहतराम के सिलसिले में बयान करते। वरना हाल ये था कि अइम्मा के साथ जो मामला लोग पेश करते और अइम्मा के साथ जो मामला पेश आता है, हम सब पर आया और बयां हैं कि इस तरह से हज़रत रहमतुल्लाह वहाँ जाते थे और इमामों को पोशीदा तौर पे हदिया भी पेश करते थे। मौलाना मोहसिन साहब तशरीफ़ फरमा है, हाफिज़ नवाल साहब भी इस बात के गवाह भी हैं। तो हज़रत इमामों के बारे में ये कहते थे कि ये तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ाते हैं, इनकी दुआएँ बहुत कारगर हैं, ये बहुत कम यानी मुआवजे में ये इस खिदमत को अंजाम देते हैं। तो बहरहाल उड़ीसा के अंदर हम लोग सब एक हैं, मुत्तहिद होकर रहें। जैसा कि कोई भी मसला पेश आए, हमारी तरफ से एक आवाज़ हो। और जैसा कि कोई मसला इमारत शरिया का हो, मसाइल हो, और जैसा कि अभी बात ये आई कि शूरा के बनने के बाद हर ज़िले के अंदर इंतखाबात होंगे, वहाँ के ज़िम्मेदार तय किए जाएंगे और दारुल क़ज़ा का क़याम होगा, वहाँ भी जो फ़ैसले जैसा कि हम आपस में उसको हल करेंगे। और आपको मालूम है कि हर एक दो दिन के अंदर यहाँ पर कोई ना कोई मसला ज़रूर पेश आता है। और अभी भी कल परसों भी एक फ़ैसला यहाँ हुआ, तलाक़ का, खुला का, बहुत सारे मसाइल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने मुफ्ती आज़म इमारत शरिया का भी इंतखाब अमल में आया है। हज़रत कभी इसमें हज़रत हमारे बड़े हैं, हम हज़रत के मातहत चलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सबसे पहले ये दरख्वास्त करूँगा कि जैसा कि हमारे सामने ये बात आई है कि अमीर शरीयत उड़ीसा के तौर पर हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब के नाम का इंतखाब हुआ, तायीद भी हो गई। इसी तरह से मुफ्ती आज़म इमारत शरिया उड़ीसा भी हमारे बड़े हैं, हज़रत मुफ्ती उफरान साहब दामत बरकातुहुम, कि हम लोगों ने सब ने तायीद की है। मैं चाहूँगा सभी हजरात दोनों से मुसाफिक करके इस तायीद की तकमील फरमा दें। इस देश की नगरी नगरी में तौहीद का नगमा गाएंगे, इस देश की नगरी नगरी में तौहीद का नगमा गाएंगे। हम हक़ सदाकत का परचम हर कूचे में लहराएंगे।
सा उस्मान गनी का जुल्दो सखा, सिद्दीक़ो उमर का सिद्दीक़ो सफा, उस्मान गनी का जुल्दो सखा, हम क़ुव्वत हैदर का जो हम क़ुव्वत हैदर का जो हम दुश्मन को दिखलाएंगे, इस देश की नगरी नगरी में तौहीद का नगमा गाए।